चुनाव आते ही तो आईपैड, स्मार्टफोन और वोट दे दो, आज क्यों नहीं दे सकते बच्चों को? जैसे आप सिलसिला शुरू करेंगे मैं सवाल पूछूंगा और आपकी बात काटूंगा। अच्छा, धमका रहे हैं क्या मुझे? लागू कर मुझे धमका रहे हैं आप? नहीं, मुझे धमका रहे हैं आप? मैं मोटी मोटी बात पूछता हूँ, आंकड़े तो आप बहुत बता दोगे। वो भी कितनी फैक्ट्री लगी सर? अच्छा फैक्ट्री बताइए, कितनी फैक्ट्री लगी बिहार में? सर बिहार में कानून का हिस्सा है एमएसपी? कानून का हिस्सा बिल्कुल होता है, कानून का हिस्सा। नरेंद्र तोमर कहते हैं कानून का हिस्सा नहीं है। आज हम बात करेंगे न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। संदीप अपनी डिबेट में बीजेपी नेता से खुल के सवाल करते हैं। ये वो मुद्दे उठाते हैं जिनकी जनता मीडिया से उम्मीद रखती है। सवाल वे विपक्ष से तो करते ही हैं, पर वे बीजेपी नेताओं से भी जमकर सवाल पूछते हैं। आज भी उनकी कुछ डिबेट्स देखेंगे जिनमें वे बीजेपी नेताओं से कुछ कड़े सवाल कर रही हैं। न्यूज 24 पर स्कूल खोलने को लेकर सरकार के फैसले पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता से इस कोरोना काल में स्कूल खोलने को लेकर सवाल किए। बीजेपी नेता ने कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन ना होने का कारण बताया, जिसका संदीप जी ने करारा जवाब दिया। टेक्नोलॉजी हरियाणा के आप वासी हैं, वहाँ पर स्कूल खोले जा रहे हैं ना, इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे कि इसका जवाब हमारे किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और ऐच्छिक आधार पर स्कूल खोलने की बात चल रही है। माँ बाप पर जिम्मेदारी डाल दो, सरकार एक फैसला नहीं ले सकती। जब 500 आदमी संक्रमित थे इस देश में, सारे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, अब आंकड़ा 55 लाख के पार कर गया है, अब स्कूल खोले जा रहे। आपने कहा बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, और अगर आप सोचें कि 2 महीने 1 महीने में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवा दी जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि राजीव जेटली, चुनाव आते ही तो आईपैड, स्मार्टफोन आप रेवड़ियों की तरह बांटते हो। ले लो वोट दे दो, ले लो स्मार्टफोन, ले लो आईपैड और वोट दे दो, आज क्यों नहीं दे सकते बच्चों को? इतनी बड़ी समस्या है क्या ये? न्यूज 24 पर किसानों के मुद्दे पर डिबेट हुई। एंकर संदीप ने बीजेपी नेता से एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर सवाल किए। बीजेपी नेता इधर उधर की बात करने लगे तो संदीप ने उन्हें एक सवाल किया जिससे वह परेशान हो गए और संदीप को गुंडा बताने लगे। प्रेम शुक्ला, आप बढ़ा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वागत है इस बात का, पर एमएसपी गारंटी कर दीजिए ना। एमएसपी से न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो बेचेगा, ये कानून बना दो, बात खत्म। ये कानून क्यों नहीं बनाते आप? हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हम एमएसपी खत्म कर देंगे। और एमएसपी जो है कब आपके एपीएमसी एक्ट का पार्ट था? जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदेगा, देखिए ये समझने की आप ही समझते हैं ना। एक मिनट कर देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आप ही से बात कर रहा हूँ, पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। मैं वही बता रहा हूँ साहब, आप जी एक मिनट सुन लीजिए ना, थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दूं, एक मिनट सुन लीजिए। पहले मुझे बोलने तो, मुझे बात ही नहीं रखने देते। मैं आपको बात नहीं रखने दूंगा, जैसे आप सिलसिला शुरू करेंगे मैं सवाल पूछूंगा और आपकी बात काटूंगा। अच्छा, धमका रहे हैं क्या मुझे? लागू कर मुझे धमका रहे हैं आप? नहीं मुझे धमका रहे हैं आप? नहीं मैं धमकाता नहीं, मैं आपकी तरह गुंडा भाषा में बात नहीं करता मैं। अच्छा मैं गुंडा हूँ? भाषा का जो, अच्छा मैं गुंडा हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया गुंडा बताने के लिए। गुंडा भाषा मैं नहीं कह रहा हूँ। न्यूज 24 पर बिहार के चुनाव को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता से नीतीश जी द्वारा किए कामों पर बात करने को कहा, जिस पर बीजेपी नेता आंकड़े देने लगे तो संदीप ने उन्हें कितनी फैक्ट्री लगी इस पर जवाब देने को कहा। पिछली बार तो चुनाव में नीतीश कुमार कहते थे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो अपने काम क्यों नहीं गिनवा रहे? इतिहास ही खंगालते रहेंगे या वर्तमान में भी आएंगे? कि जब 2005-06 में हमें राज मिला था तब जो बजट था वो 22,000 करोड़ था, और आज 2020-21 में 2,11,000 करोड़ हो गया है। दूसरा हम आपको मोटी मोटी बात बता दें। अच्छा, बहुत बताएंगे तो लगी 15 साल में? मैं मोटी मोटी बात पूछता हूँ, आंकड़े तो आप बहुत बता दोगे। वो भी कितनी फैक्ट्री लगी सर? अच्छा फैक्ट्री बताइए, कितनी फैक्ट्री लगी बिहार में? सर बिहार में नहीं, मैं फैक्ट्री भी बता रहा हूँ, बताइए ना। 5-6 में 520 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट था, जो बढ़कर आज 15 साल इंटरेस्ट लगाने आपको मैं बता जाएंगे आप। आप ये बताइए ना कितनी फैक्ट्री? 835 के। अरे भाई आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। अरे इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, वही बात करेंगे, ठीक जगह से किया है। न्यूज 24 पर डिबेट में संदीप ने बीजेपी नेता को सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के किसान बिल पर पुराने बयानों का जिक्र किया और उस पर सवाल किए, जिसका वे ठीक से उत्तर ना दे पाए और परेशान दिखाई दिए। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, और सुषमा स्वराज ने कहा था ये कंपनी वाले धोती और कुर्ते की दुर्गंध भी नहीं सहन कर पाएंगे किसानों की, किसानों का एटीएम होते हैं ये बिचौलिए, ये आरती।
और जिस तरह से कांग्रेस क्रोनी कैपिटलिज्म पूंजीवादियों के हाथ में थी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो रॉबर्ट वाड्रा है, क्राइम मास्टर गोगो की तरह, जहां जाते हैं कि आप पलट गए अपने बयान से। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज उस वक्त देश को गुमराह कर रहे थे क्या? आप बोल लीजिए, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली गुमराह कर रहे थे देश को उस वक्त? जो बिल आया और अब कानून बन गया वो उनके समय में नहीं आया था, उन्होंने नहीं देखा था। गौरव भाटिया, कानून का हिस्सा है एमएसपी? कानून का हिस्सा बिल्कुल होता है, कानून का हिस्सा। नरेंद्र तोमर कहते हैं कानून का हिस्सा नहीं है, पहले भी हिस्सा नहीं था, अब भी नहीं है, कानून का हिस्सा बना देते। मेरी बात सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा, मैं समझता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके सामने प्रवक्ता आके अलूल जलूल नहीं, मैं एक रीजनेबल बात करना चाहता हूँ। न्यूज 24 पर ही चाइना के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस चर्चा में संदीप ने बीजेपी नेता से पाकिस्तान और चाइना के साथ अलग अलग व्यवहार करने को लेकर सवाल किए, जिस पर बीजेपी नेता से बात को गोलमोल करने लगे, जिसके बाद संदीप ने एक और सवाल किया जिससे वह तंग होते दिखे। संबित पात्रा, मतलब लंबे संघर्ष के लिए देश को तैयार रहना चाहिए, ये तकरार लंबी है, अभी सीधे दो दो हाथ नहीं हो सकते। देखिए एक बड़ी बात है, डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो लगभग 70 दिन से अधिक डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय चीन के ग्लोबल टाइम्स और चीन ने भारत के विरुद्ध में बोलना शुरू कर दिया था और नित दिन वो बोलते थे। चाइना के मामले में मैच्योरिटी की बात आने लगती है, संवेदनशीलता की। पाकिस्तान कारगुजारी करता, हम कहते हैं घर में घुसकर मारेंगे और घर में घुसकर मारते भी हैं, ये फर्क क्यों है? देखिए पहली बात तो आप समझ लीजिए, आतंकवाद और विस्तारवाद ये दो अलग अलग चीज है। आतंकवाद को लेकर आपने कहा कि आतंकवाद पर तो यूनाइटेड नेशन में बात हो सकती है, विस्तारवाद पे क्यों नहीं बोला? इतना कुवत है कि बिना किसी की मदद लिए इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट टू डिफेंड इटसेल्फ। पाकिस्तान के मामले में हमने किसी की मदद थोड़ा ली, और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, हमने घर में घुसकर मारा अंत में। नहीं 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 ना ना अंत नहीं, आतंकवाद में पूछिए आप एक्सपर्ट से, मैं बैठा हूँ, हमने मदद मांगी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। अगर ऐसे ही सवाल हमारे गोदी मीडिया बीजेपी नेताओं से करे तो कुछ सवालों के जवाब तो डिबेट से मिल ही जाते। गोदी मीडिया ना ही ऐसे मुद्दे उठाता है और ना ही सरकार से सवाल करता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि संदीप ऐसे ही आगे भी सरकार से सवाल करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।